हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है और बाप ही रहेगा। पाकिस्तान को अल्टीमेटम, यहाँ के बारे में चिंता छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। भारत में जैसे ही राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, उसके बाद पाकिस्तान में टेंशन हो गई। इमरान खान की सरकार भारत में राम मंदिर निर्माण के बाद बौखला गई है और सवाल उठाने लगी है, मुस्लिमों को भड़काने लगी है। लेकिन वहीं के मुसलमानों ने इमरान खान को जवाब दे दिया, कह दिया वो मोदी का भारत है, इमरान का नहीं जो चीन से पूछकर कुछ करेगा। और आइए आज दिखाते हैं कि किस तरीके से साधु संतों ने भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण के फैसले की आलोचना करते हुए मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की। पाक विदेश मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, जाए और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं आरएसएस बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक प्रयास है और पाक सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पाक के बयान को विहिप महामंत्री मिलिंद पांडे ने गैर जिम्मेदाराना बता दिया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ही मुस्लिम किस तरीके से जवाब दे रहे हैं इमरान खान को, उनके विदेश मंत्रालय को। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि साधु संत कैसे गुस्से में आ चुके हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिन दूर नहीं होगा जब सिंधु के पार तिरंगा फहराएगा और पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए इमरान खान को मैं आज कड़ी चेतावनी दे रहा हूँ, ये कुत्ते जैसे भौंकना बंद करो और अपने मंत्रियों पर मत बोलो कि वो लगाम लगाए। और अगर हिंदुस्तान की ओर अंगुली उठाया पाकिस्तान तो सर कलम हो जाएगा, और अगर आंखें दिखाने का काम किया तो आंखें निकाल ली जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है और बाप ही रहेगा। जिस हिसाब से पाकिस्तान अब अयोध्या मामले को लेकर, राम जन्मभूमि मामले को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का काम शुरू किया है, बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने का काम शुरू किया है, पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। राम जन्मभूमि 130 करोड़ देशवासी के लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक मामला नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान दखल अंदाजी करना बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। और पाकिस्तान को अल्टीमेटम, यहाँ के बारे में चिंता छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। यह बाबरी मस्जिद कभी भी सिद्ध नहीं हुई, वहाँ एक विवादित ढांचा था। कोर्ट के सामने मुसलमान कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद है। इसे पाकिस्तान जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है, और केवल हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो, ये इस उद्देश्य से वहाँ से उसके विदेश मंत्री या विदेश सचिव जो कुछ हैं वह बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल झूठा है। अब आपको दिखाते हैं कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। इससे पता चल जाएगा पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सब कुछ हो रहा है, उनकी तरह नहीं। आइए दिखाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सार जो है किसी में कोई भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मंदिर का निर्माण हो रहा है। सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान इसके बारे में राजनीति ना करे। ये हमारे देश का मसला है, हमारे देश के हिंदू मुसलमान का जो है मसला है। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है तो सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो। हम पाकिस्तान को जो है एक नसीहत देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, अब वो कोरोना की दवाई ढूंढे और पूरे दुनिया में सप्लाई करे, हिंदू मुसलमान ना करे तो बेहतर है। तो देखा आपने भारत के मुसलमान क्या कह रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान के ही लोगों ने, पाकिस्तान के ही मुस्लिमों ने इमरान खान और उनकी सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। सलीम कहते हैं, पेशावर के हॉस्पिटल में कोरोना मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया और तुम्हें हिंदुस्तान के मुद्दों में घुसने की पड़ी, अपना मुल्क तो संभाल लो पहले। कादिर अजीज कहते हैं, इसी कोरोना में हमारी पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, मासूम बलूचों को, मासूम पश्तूनों को मार रही है और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को जिनमें मुस्लिम भी है उन्हें भी वो छोड़ नहीं रही है। तो खुदा की तरफ से आपको क्या नाम
दिया जाए। आरिफ कहते हैं मंदिर बने या मस्जिद आपको क्या लेना है, वो मोदी का भारत है, पाकिस्तान नहीं है जो चीन से पूछकर हर काम करता है। चीन की गुलामी करनी है कोई तुमसे सीखे। और अब आपको दिखाते हैं कि भारत के मुस्लिम भी कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। जरीन कहते हैं इंशाल्लाह मंदिर वहीं बनेगा। वाहिद खान अब जाओ पतंग उड़ाओ, अब तो इस्लामाबाद में भव्य मंदिर बनेगा। अब्दुल कादिर कहते हैं आप होते कौन है हमारे इंटरनल इशू में बोलने वाले, आपके वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है आपको नहीं पता, और आप उस पर एतराज जताओ, कुछ भी करो मंदिर तो वहीं बनेगा। और हाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही फैसला सुनाया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जय हिंद। तो देखा आपने आखिरकार इमरान सरकार को और इमरान खान को किस तरीके से जवाब पर जवाब मिलते जा रहे हैं। राम मंदिर फैसले के बाद वो दिक्कत में नजर आ रहा है, अब निर्माण भी शुरू हो गया, अब भी टेंशन पाकिस्तान को पता नहीं क्यों हो रही है। उस पाकिस्तान में जहां मंदिरों को मदरसे बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन आज उन्हें जवाब तो जरूर मिल गया होगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।